मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई हो लेकिन शासन के कर्मचारी आज भी बेलगाम बने हुए हैं। शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी संबल योजना को उसके ही कर्मचारी अब पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत लखना दौन से सामने आया है, जहां संबल योजना के पैसे देने के एवज में पीड़ित से रुपयों की मांग की जा रही है। ग्राम पंचायत खुट खमरिया में रहने वाली विमला यादव, उनके पति का निधन हो चुका है, जिसका परिवार जो कि संबल योजना की पात्रता रखता है, जिसके लिए सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो कि जनपद पंचायत से स्वीकृत भी हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उसके पैसे उनके खाते में नहीं पहुँचे हैं, जो कि शासकीय तंत्र पर बड़े सवाल खड़े करता है। परिवार के लोग जनपद पंचायत के चक्कर लगाकर थक गए हैं। अब इस मामले में हमारी बात परिजनों से हुई तो उन्होंने बताया कि वे ग्राम पंचायत सचिव के साथ जनपद पंचायत गए हुए थे तो जनपद के गोरी बाबू से मिलाया तो बाबूजी का कहना था कि 35,000 रुपये हमें दे दो तो हम तुम्हारा केस फाइनल कर देंगे, यदि पैसे नहीं दिए तो नेतागिरी भी लगा लो तो तुम्हारा केस फाइनल नहीं होगा। साथ ही जब हम सचिव से बात करते हैं तो वह भी बाबू की भाषा ही बोलता है। हम तो लगभग 8 महीने से जनपद पंचायत का चक्कर काट रहे हैं शिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। क्या हुआ था, किस बात को लेकर आपको कहाँ ले गए थे? सचिव ने ले गया था जनपद में जो गुआरी बाबू बैठते हैं कंप्यूटर में, उनने बोला था 35,000 रुपये दो हमको तब तुम्हारा केस फाइनल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 35,000 अगर नहीं दोगे तो नेता भी लगा लोगे तो भी केस नहीं हो पाएगा, इस टाइप की बात हो रही थी, वहाँ से बोल रहे थे भी लोग। कितने समय से आप लगातार शिकायत करते आ रहे हैं? अभी तो 1 साल हो गया उसके लिए, 1 साल से जो पेंडिंग में डाला है तो डाला ही है, 3 बार किस्त आके बट गई फिर भी हम लोगों को नहीं दी गई। सचिव के पास जाते क्या बोलते हैं? सचिव यही बोलता है तुम कितने बड़े नेता लगा लो कुछ भी कर लो, जब तक हमको 35,000 रुपये नहीं दोगे तो हम नहीं करवाएंगे। क्या नाम है आपका? संत कुमार यादव। सर, खुट खमरिया का एक श्रमिक संबल योजना के तहत 2 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं लेकिन उनको अभी तक राशि नहीं मिल पाई है, क्या कुछ उसके कारण है? देखिए, शासन ने पहले हम लोगों को 1 साल राशि देती थी, आजकल वो बंद कर दिया है। हम लोग केवल स्वीकृति करने का अधिकार हम लोगों को दिया है, जिसके तहत हम लोग स्वीकृत करते हैं, वो ऑनलाइन जानकारी शासन स्तर पर पहुँच जाती है तो श्रम विभाग के द्वारा वो राशि सीधे व्यक्ति के नाम से आती है, तब हम लोग उसका भुगतान कर पाते। सर, गौरी बाबू के ऊपर भी हितग्राही ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा 35,000 रुपये की मांग की गई है, इस संबंध में क्या आपके विचार रहेंगे और यदि ऐसी जानकारी आती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आम बात हो गई है लेकिन सच्चाई को थोड़ा समझ लें अपन, क्योंकि हमने स्वीकृति दी है, अगर जब स्वीकृति दी है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का काम होगा, अब वो शासन स्तर से जब पैसा आएगा तभी हम लोग उसको सीधे उसके खाते में राशि जाती है। आपकी तरफ से और क्या प्रयास रहेंगे, जैसे अभी उसको मैं हितग्राही को नहीं मिल पाया है? नहीं, हमारी ओर से शासन को 2 बार पत्र लिखा जा चुका है, क्योंकि इनके अलावा भी और लोग लगभग 25-30 लोगों के और हैं जिनके हमने डिमांड की है कि सर इनकी राशि दे दी जाए ताकि संबंधित को उसकी राशि का भुगतान किया जाए, अब राशि जैसे आते हैं तो संबंधित को भुगतान किया जाए। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।